तो फाइनली यार किचन में आ गए। छोटा सा किचन है और ये हैं सुहेब भाई। क्या हाल है सुहेब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? सुहेब भाई जरा आप बताएं किधर से हैं आप? पीछे से आजाद कश्मीर। और इधर क्या करते हैं? कुकिंग। बतौर एक कुक है और ये बहुत ज़्यादा जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह भी बना लेता है। बहुत अच्छा प्रोफेशनल कुक जिसे बोलते हैं ना, ये वो है बंदा। और कुछ कुछ अंदर चल रहे हैं क्योंकि अभी भी मार लेता है वैसे वो भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, तो क्या हाल चाल है यार आप सबके? तो मैं सोचा यार अभी मेरे ख्याल से कोई 8 का टाइम है, सुबह का उठाऊँ जब से नमाज़ पढ़ी है। जब से नमाज़ पढ़ी तब से उठा हुआ और अब से मतलब नमाज़ पढ़ के आधा घंटा सोया था, बाद में फिर उठ गया था। तो मैं सोचा कि यार व्लॉग भी स्टार्ट करना, आज फर्स्ट वाला व्लॉग है मेरा, तो क्यों ना ज़रा जल्दी हवेली जा के तो इंट्रो कर लिया जाए, अच्छा होता है। वैसे भी सुबह सुबह इतना शोर भी नहीं होता, लेकिन अभी 8 बज गए हैं सारे, कोई बच्चे स्कूल छोड़ने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई काम जा रहा है, तो अभी जो है ना वो फिर शोर आना शुरू हो गया। लेकिन पहले थोड़ी देर पहले अभी ना ठीक था मामला, मतलब शांत था सारा कुछ। और अभी हम हवेली में हो, तो ज़ाहिर आप देख सकते हो इतने ज़्यादा मतलब जानवर हैं अभी, तो अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके अंदर मतलब रखे हुए हैं, तो इनके लिए भी तो मतलब कोई बंदा होना चाहिए ना। मतलब ऐसे बाइट्स रोटी प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है डेली, और इसलिए जो है ना एक किचन भी रखा हुआ है अलहदा इन लोगों के लिए, खाना वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, जो इधर नौकर हैं मतलब देखभाल करते हैं इन जानवरों की सारों की, उनके लिए भी एक जो है ना कुक रखा हुआ है स्पेशल, मतलब स्पेशल कुक हायर करके रखा हुआ है। वो इन्हें सारा नाश्ता लंच डिनर जो भी चाहे, जो भी किसी भी किस्म की चीज़ जो है ना, जो भी मेहमान भी आ जाए अगर हवेली में, तो वही जो है ना सारा कुछ बना के तो देता है। अभी मैं आपको किचन भी दिखाता हूँ और वो कुक भी दिखाता हूँ। तो फाइनली यार किचन में आ गए। छोटा सा किचन है और ये हैं सुहेब भाई। क्या हाल है सुहेब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? सुहेब भाई जरा आप बताएं किधर से हैं आप? पीछे से आजाद कश्मीर। और इधर क्या करते हैं? कुकिंग। बतौर एक कुक है और ये बहुत ज़्यादा जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह भी बना लेता है। बहुत अच्छा प्रोफेशनल कुक जिसे बोलते हैं ना, ये वो है बंदा। और कुछ कुछ अंदर चल रहे हैं क्योंकि अभी भी मार लेता है वैसे वो भी से सूट करती है, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल आपको किचन दिखाते हैं छोटा सा। ये देखिए अभी इसमें गंद डाला हुआ है, मतलब सफाई वगैरह करता है कभी कभी, बहुत कम करता है, आवारा गर्दी जो है ना ज़्यादा करता है ये बंदा। क्या बनाया थे भाई? ओ क्या बात है भाई, लेवल है यार बड़े। मैं जैसे आपको बताया था अच्छा कुक है, ट्राई चेक करो बंदगी है, क्या बात है। ओके यार मैं भी चलता हूँ घर, फिर आपको मिलता हूँ। मेरी बैटरी भी डेड हो गई मोबाइल की वैसे भी घर जाके, और मुझे घर जाके थोड़ा सा काम भी है, गाड़ियाँ दो वो भी मुझे जाके धोनी है। मैं सोच रहा था कि इधर ही ले आता, लेकिन अभी मैं ले के नहीं आया, छोटी लेके आया था, वो मुझे धोनी नहीं है, तो चलते हैं अभी। ये हॉस्पिटल का जो है ना बाइट सेव हुआ है, थोड़ा सा दूर जाके लिया इस, फिर जाके जो है ना इसके अंदर आया, कैप्चर फिर हुआ है पूरा, नहीं तो मतलब अच्छा खासा बहुत बड़ा है इस वजह से पूरा अंदर आ नहीं रहा था। तो अभी मैं थोड़ी देर तक जो है ना आपको अंदर से भी इसका सारा व्यू करवाता हूँ। फाइनली यार मैं आ गया था हॉस्पिटल अब घर से, फ्रेश हो के खाना खा के सारा कुछ रेडी हो के तो मैं वापस आ गया था हॉस्पिटल। ओके आपको का भी आपको इंशाल्लाह मैं पिट वर्क कराता हूँ। तो गाड़ी वगैरह मैंने धो ली थी, आप देख सकते हो पूरी चमक रही है भाई। तो अब आपको मैं लेके चलता हूँ ऊपर छत पे। हॉस्पिटल की छत पे जा रहे हैं। ओके 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 इधर अच्छा रिजल्ट है ज़रा, इसलिए मैं जो है ना इधर आ गया था थोड़ा करने के लिए। तो अभी यार हॉस्पिटल ये सारा जिसकी छत में मैं आया हूँ ना, ये हॉस्पिटल है ठीक है। अभी पेशेंट आना शुरू नहीं हुए, अभी आए ही हैं बस आके, अभी थोड़ी देरी हुई है मुझे, 10 मिनट ही हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो छत पे जा के आप लोगों के साथ थोड़ी बातें कर ली जाएँ, तब तक पेशेंट्स के आ जाएंगे तो तब तक मैं भी जो है ना नीचे भी चला जाऊँगा। तो भाई आप लोग कह रहे होंगे कि यार अचानक से पहले सुबह सुबह हवेली, उसके बाद घर, उसके बाद फ़ौरन से हॉस्पिटल आ गए हो, तो हॉस्पिटल मतलब अचानक से कैसे, और कर भी तुम मतलब इधर बातें रहे हो हमारे साथ? तो यार ऐसी बात मतलब नहीं है, ये हॉस्पिटल हमारा अपना ही है ठीक है, और आप बस मेरे साथ रहो, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको मेरे साथ। और चैनल को जो यार अभी न्यू देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, लाजम से यार सब्सक्राइब कर दो यार, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, ना ही आपके कोई मोबाइल की स्पेस जाएगी या कुछ भी नहीं, बस सब्सक्राइब करना यार, लाइक बटन भी दबा देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर देना इंशाल्लाह। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।